को कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। नमक मट्टे बेको बाड़ेट बेको नहींनू माड़ी लग रही निम बंद निम मट्टे कूत ना सती तीन नोड्री बेकाद निम्ग। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का महत्व आप ये दो वीडियो देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर हम आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको निकाल कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया देके मकड़ू निंगे वर्क ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಬಾಳೆಹಣ್ ಬೇಕು, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮಟ್ಟದಾಗೆ ಕೂತು ನಾವು ತತ್ತಿ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಬೇಡಲ್ಲ ನಮಗ್ ತತ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು, ನೀವ್ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳವ್ರು? ಎದಕ್ಕ ತತ್ತಿ ತಿಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ ತಿಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನಾವು? ಎದಕ್ ನಿಮ್ ಮಟ್ಟದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು? ಮತ್ ನಾವು ನಂಬಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ನೀವ್ ಎದಕ್ ತಿಂತೀರಿ? ಬಿಸಾಕ್ರಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ತಂದು ನಾವ್ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನ. ನಿಮಗ ಬಡವರದು ಕಷ್ಟ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎದಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆಗ ಬಡತನ ಇರ್ತದಂತ. ನೀವೇನ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಮಠದಾಗ ಬಂದ್ ಕುದುರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದವರಲ್ಲ, ನಾವ್ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಗಂಗಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕೊಳಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಠನು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಇರ್ಬೇಕ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಳ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ನೋಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾಯ್ಸಿದೀವಿ, ನಾವ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. पहला वीडियो एमपी के झाबुआ जिले का है। 18 साल की आदिवासी छात्रा निर्मला का ये वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है। 20 दिसंबर को झाबुआ के कलेक्टर से मिलने के लिए छात्र और छात्राएं इकट्ठा हुए थे। ये लोग स्कॉलरशिप का पैसा मांग रहे थे और बसों में स्टूडेंट्स के लिए किराया कम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग कर छात्राओं को रोक दिया। इस दौरान निर्मला गुस्से में कहती है, हमें कलेक्टर बना दो, सबकी मांग पूरी कर देंगे। वहीं दूसरा वीडियो कर्नाटक के गंगावती का है। यांजली नाम के स्कूल छात्रा ने सीधे हिंदू धर्म के ठेकेदारों को चुनौती दे डाली। दरअसल कर्नाटक के स्कूलों में मिड डे मील के दौरान छात्रों को अंडा खिलाने पर मंदिरों और मठों के ब्राह्मणवादी पुजारियों ने विरोध किया था। पुजारियों ने धर्म भंग होने का हवाला देकर अंडा नहीं देने की मांग की। सरकारी स्कूलों में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। शायद इसी वजह से ये ब्राह्मणवादी नहीं चाहते कि दलितों के बच्चों को पोषक आहार मिले, लेकिन ब्राह्मणवादियों को अंजलि ने खुली चुनौती दे डाली। अंजलि ने कह दिया कि या तो हमें मिड डे मील में अंडा खाने दो, वरना तुम्हारे मठ के अंदर बैठकर अंडा खाएंगे। तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना चाहिए। चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।